भारत देश में वैसे तो बहुत अखाड़े हैं, लेकिन निरंजनी अखाड़े को देश का श्रेष्ठ अखाड़ा माना जाता है। देश विदेश में इस अखाड़े से करोड़ों श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। इस अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाश नंद गिरी का कहना है कि उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मीडिया से जुड़े होने के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं को भली भांति समझता हो, देश के सभी धर्मचार्यों का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। उन्होंने इस कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार शांतनु शुक्ला को अपने अखाड़े का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनाने का निर्णय लिया है। श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर के प्रांगण में उन्होंने शांतनु शुक्ला को ये जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान आचार्य जी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अधिपतये नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। आप सभी को ज्ञात है भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन परंपरा में आज सनातन इस दिशा की ओर चला है कि भारतीय सनातन परंपरा राम राज्य की ओर है, राम राज्य कल्पना की ओर है और भारत विश्व गुरु की ओर है। सनातन परंपरा में जो मान्य आचार्य हैं, मान्य शंकराचार्य हैं, उनका बड़ा महत्व है और मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। निरंजनी अखाड़ा भारत का श्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट अखाड़ा है। उस अखाड़े के आचार्य होने के नाते और हमारी परंपरा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं भगवान शिव का और माँ काली का अनुयायी हूँ, उनकी सेवा में रहता हूँ, उनकी तपस्या में रहता हूँ, उनकी साधना में रहता हूँ, उस कारण करोड़ों करोड़ भक्तों की संख्या हमारी है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में न्यूनतम 5 से 7 करोड़ लोग हमारे काली मंदिर परिवार के परिवार हैं, काली मंदिर से जुड़े हुए हैं। निसंदेह भारतीय संस्कृति में विद्वता अनुष्ठान कर्मकांड को लेकर के मैं निरंतर अग्रसर रहता हूँ। पूरे देश ही नहीं, दुनिया में हर देशों में जा करके भगवत चर्चा करने का सौभाग्य और कार्य मुझे ईश्वर ने दिया है, मैं करता रहता हूँ। उसको ध्यान में रखते हुए अत्यंत व्यस्तता और अत्यंत व्यस्त जीवन रहने के कारण मुझे ऐसा लगा कि मेरी परंपरा और बढ़नी चाहिए, मेरी परंपरा में और वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए स्वयं के पास इतना समय न होते हुए मैं एक कुशल नेतृत्व, कुशल योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा था, चयन करना चाह रहा था। निसंदेह बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, मेरा भाव था कि मैं शांतनु शुक्ला जी को अपने आश्रम का और अपना मीडिया प्रभारी नियुक्त करूं, जिससे कि देश में और समाज में हम अपनी बात और भी प्रखरता से रख सके, सहजता से जा सके। क्योंकि निसंदेह कोई कुशल और योग्य व्यक्ति जब साथ रहता है तो निसंदेह भारतीय संस्कृति में प्रचार प्रसार में जो व्यवधान आती है वो व्यवधान कम हो जाते हैं। इसलिए हमने अपने आश्रम का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शांतनु शुक्ला जी को, क्योंकि शांतनु शुक्ला जी को परिचय की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत देश के जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े, और सभी परंपराओं के जो धर्माचार्य हैं, लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, वो आपसे स्नेह करते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं, मेरे अत्यंत प्रिय हैं, मेरे प्रति आपका अपार भाव और श्रद्धा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर माँ के प्रांगण में, माँ के चरणों में शांतनु शुक्ला जी को अपने श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर एवं आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के रूप में हमने आपको नियुक्त किया और मुझे लगता है कि मीडिया प्रभारी का काम बहुत बड़ा होता है। देखो, पद तो बहुत छोटा लग रहा है, नाम का जब हम उपाख्यान करते हैं तब भी बहुत छोटा लग रहा है, पर बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने आज आपको नियुक्त किया, जिससे कि मैं अपनी बात पूरी दुनिया में आपके माध्यम से कैसे ले जाऊं, जिससे कि भारतीय संस्कृति में प्रचार प्रसार में कोई कमी ना आए और किसी प्रकार की व्यथा ना रहे, किसी प्रकार की जो सामंजस की कमी होती है वो ना रहे। इसलिए आज, क्योंकि यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, हमारी नियुक्ति की परंपरा है, हमारी जो प्रमाण पत्र की परंपरा आपने देखा होगा, मैं अपना लेटर पैड पे अपना लिख करके आपको दिया, आपको सुपुर्द किया, तो ये परंपरा हमारी अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। तो आज मैं अपनी
परंपराओं का, हम अपने आचार्य पद का, आचार्य का और श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर के व्यवस्थाओं का, जो भी मीडिया का कार्य होगा वो हमारे अत्यंत प्रिय शांतनु शुक्ला जी देखेंगे। और मुझे लगता है इस कार्य को ये इतने सरलता से, इतने सहजता से, इतने व्यापक रूप में देखेंगे, जिसको निसंदेह हम अपनी बात पूरी दुनिया में नहीं ले जा पाते हैं, घर घर तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो आप सहजता से हमारी बात को घर घर तक पहुंचाने में समर्थ होंगे, सहज होंगे। मुझे यह आशा ही नहीं, विश्वास है, भगवती से प्रार्थना है कि यह कार्य हमारे और आपके द्वारा पूरे देश और समाज के लिए धर्म को ध्यान में रखते हुए हम कर सके। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज आपको अपना यह नियुक्ति पत्र दिया है और आश्रम का नियुक्त किया है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।